पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से यह अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि इस धरती से, इस मिट्टी से और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए उनका आह्वान कर रही है, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रयागराज के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके इस प्रतिज्ञान में कि हम उत्तर प्रदेश के लिए अपने को समर्पित करते हैं, उत्तर प्रदेश में न केवल कांग्रेस को फिर से स्थापित करते हैं, फिर से उसके शीर्ष पर पहुंचाते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी उसकी लॉस्ट ग्लोरी या हाईजेक ग्लोरी कुछ भी कह लीजिए उसको पुनर्स्थापित करते हैं। देश में जो नेतृत्व था उत्तर प्रदेश का उसको फिर से स्थापित करेंगे, लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं उसमें मदद करें और कांग्रेस के प्रयागराज से तीनों उम्मीदवार और इस जनपद से पांच उम्मीदवार को विजयी बनाकर के एक की तरफ से भी यह संदेश लाया हूँ कि हमने भाजपा को उत्तराखंड से खदेड़ दिया है, गंगोत्री से भी खदेड़ दिया है और यमुनोत्री से भी खदेड़ दिया है और उत्तराखंड से भी खदेड़ दिया है, बल्कि उस खदेड़ने के अभियान में अनुग्रह नारायण सिंह जी का विशेष योगदान रहा है, मैं इनको बल्कि थैंक यू कहने के लिए जा रहा हूँ। सहिष्णुता जैसे हमारी आज़ादी के जो मूलभूत तत्व हैं वो खतरे में हैं, तो ऐसे समय में जो है प्रयागराज और इलाहाबाद अपने पुराने गरिमामय युग को याद करते हुए फिर से कांग्रेस के पीछे आकर के खड़ा हो और उत्तर प्रदेश के इस अभियान का कि उत्तर प्रदेश से इनको खदेड़ा जाए भाजपाइयों को उसका नहीं। अब कांग्रेस की बारी है, भोगी आपने देखे हैं किस तरीके से थाने से लेकर के सरकारी कार्यालयों का उपयोग एक विशेष दल विशेष के लोगों को मालामाल करने के लिए किया जाता था, बाकी जन कल्याण से कोई वास्ता नहीं था, केवल जेब भरो अभियान था, समाजवाद के नाम पर सारे गैर समाजवादी काम होते थे उनको भी देखा है और आपने जो है योगी को भी देखा है कि किस तरीके की योगी पर हमारा तो आग्रह है कि आप योगी जी को जितनी जल्दी पैक कर देंगे। तो हाँ, का संक्रमण शुरू हुआ और जिस तरीके से हमारे लोग अपने घर गांव को लौटे और जिन बेबसी के हालत में लौट करके आए और जिस प्रकार से सड़कों को उनको बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया, कुछ राज्य सरकारें थी जिन्होंने आगे बढ़ करके हाथ दिया संवारा अपने लोगों को लेकर के गए, जैसे राजस्थान की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार है, लेकिन कुछ सरकारों ने मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया, उनमें उत्तर प्रदेश की सरकार थी। और वो कम है इसको के वक्त में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, आखिर देश का नेतृत्व करने वाला राज्य इस तरीके की स्थिति में आए, ये उचित नहीं, ये इससे सबको बड़ा धक्का लगा है कि बिल्कुल असंवेदनशील सरकार दिखाई दी और जो उत्तर प्रदेश के कल्चर के खिलाफ था। उत्तर प्रदेश एक संवेदनशील लोगों का स्टेट है और यहाँ की संवेदनाओं को कितनी चोट पहुँची होगी उसका मैं अंदाज़ लगा सकता हूँ कि मैं केवल दो मानवी में और बहुत लंबा चौड़ा उसमें नहीं जाना चाहता। ये दोनों टेस्ट हैं कि किस तरीके से योगी गवर्नमेंट जो है जिस समय लोग परेशानी में थे उस समय नेतृत्व देने में फेल रही है, इसलिए उनको निकाल बाहर करिए। और वो तक हम लगातार देश भर में हार रहे थे, राज्य दर राज्य हार रहे थे, मगर 2002 में हम उत्तराखंड में जीते और उसके बाद
एक सिलसिला प्रारंभ हुआ और 2004 आते आते तक देश में कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि 2002 के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए उन चुनावों में कांग्रेस विजयी हुई और उसका परिणाम ये रहा कि 2004 के अंदर हमने दिल्ली में ही सरकार बनाई और सोनिया जी ने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये बिल्कुल ऐतिहासिक फैक्ट है जिसको आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट पॉलिटिकल इवेंट्स को जो देखेंगे तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं। और आना चाहता हूँ कि वही स्थिति आ रही है, हम उत्तराखंड भी जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं, हम गोवा जीत रहे हैं, हम मणिपुर को जीतने की तरफ अग्रसर हैं और पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत बहुत अच्छा ऐसे। और मैं समझता हूँ जिसने आज़ादी के इतिहास के साथ इनका लिंकेज रहा हो तो वहाँ की प्रेस जो है कितनी कितनी जागरूक और कितनी दक्ष है। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि देश के अंदर इस समय प्रतिपक्ष का नेता कोई है जो इस सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है, इसके इनके फेलियर्स को दर्शा रहा है, चाहे वो GST में हो, चाहे नोटबंदी में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट में हो, चाहे बेरोजगारी की तरफ हो, चाहे इकोनॉमी के रिवाइवल में जो बातें कही गई हैं इस दस्तावेज में वो सही साफ। मैं आप दो पॉइंट्स और आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय सबसे बड़ी बाधा के रूप में ऊपर आ रही है ये मोदी सरकार के बैड इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसका डिजास्टर्स पहलू है कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी की वृद्धि दर इस समय देश में है, भारत में, और भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। इसलिए हमने यदि उत्तराखंड में हमने 4 लाख रोजगार देने की बात है ये 5 साल में, तो उत्तर प्रदेश में हमने 5 साल में 20 लाख रोजगार देने की बात है। संवैधानिक लोकतंत्र में जो विपक्ष का दायित्व है उसको कर्मठता से पूरा कर रहा है तो वो श्री राहुल हो सकती है, मगर ये ऐतिहासिक तथ्य है कि राहुल गांधी जी इस समय प्रतिपक्ष के एकमात्र नेता हैं जो देश के संवैधानिक लोकतंत्र के एक बड़ी आवश्यकता की प्रतिपक्ष जागरूक है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। कराना मुश्किल है, एक प्रकार से लोगों ने मान लिया था, एक भ्रम फैला दिया गया था देश को। उस समय यदि किसी ने हिलाया है, किसी ने ये संदेश दिया है नहीं इस सरकार को उखाड़ के फेंका जा सकता है, इस निरंकुशता को समाप्त किया जा सकता है, फिर से उत्तर प्रदेश को पुराने लोकतांत्रिक रास्ते पर लाया जा सकता है, वो है प्रियंका गांधी। कानूनों की वापसी में वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और प्रियंका जी ने उसमें लीड ली, वो हो चाहे आगरा में कमजोर के ऊपर अत्याचार का मामला हो या देश के दूसरे हिस्सों में जहां भी कमजोर के ऊपर महिला पर अत्याचार हुआ है, कमजोरों पर अत्याचार हुआ है, प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ करके आई हैं, उसे स्वर को बुलंद किया है, लड़ाई को बुलंद किया है, तो किया जाना चाहिए राहुल जी को ही और प्रियंका गांधी जी। और मैंने एक क्योंकि हमारे वहाँ भी चुनाव हो रहा था, जब पढ़ने वढ़ने का टाइम कम मिल पाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश से हम निरंतर प्रेरणा लेते थे, तो प्रियंका जी ने जो 7 प्रतिज्ञाएँ और धान का खरीद मूल्य 2500 रुपया और गन्ने का खरीद मूल्य 400 रुपया और कोरोना से ग्रस्त परिवारों को 25,000 रुपये की प्रतिज्ञाओं के रूप में उन्होंने जारी किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे हमारे जैसे राज्य को भी इससे बहुत मार्गदर्शन मिला है, बहुत मार्गदर्शन मिला है। और मुझे लगता है ये कुछ भी जो होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि लोग
भोगी और योगी दोनों को देख चुके हैं, योगियों को और भोगियों को देख चुके हैं, अब उनसे पल्ला छुटाना चाहते हैं। कांग्रेस ही विकल्प है उत्तर प्रदेश। नहीं, ये अनुमान बताइए ना, जैसे इतनी सीट आंसर सीट क्या है? देखिए, हम भाजपा जैसे घमंडी नहीं है कि एक लाइन खींच दें। हम तो लोकतंत्र के हम्बल सेवक हैं, विनम्र सेवक हैं, और हम दाता के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि हमको इतना दीजिए कि हम सरकार बना सकें। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, किसने कह दिया हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे? ये दुष्प्रचार है लोगों का, ये उन ताकतों का दुष्प्रचार है जो प्रत्यक्ष रूप पर भाजपा को मदद करते हैं और भाजपा जिनकी मदद करने का काम करती है। इसलिए हम बिल्कुल एक बात बताइए, इलाहाबाद में कितनी सीटें हैं? 12 और हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 12। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं? हमारा इंटेंट, हमारा इरादा साफ तौर पर बताता है कि हम सरकार बनाने के लिए लड़े हैं। पिछले कर दिया है जनता उत्तर प्रदेश की, हो उत्तराखंड में भी बहुत कोशिश की थी, वहाँ तो कहाँ से पता नहीं, एक यूनिवर्सिटी ले आए और मेरी इतनी फोटो बना दी थी उन्होंने जो है कि मेरे लिए अपने आप को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कहाँ से टोपियाँ, कहाँ से वस्त्र, कहाँ से पता नहीं कौन फैशन डिजाइनर उन्होंने इंगेज किया था। तो ये, लेकिन जनता ने कहा नहीं, हम महंगाई के पिच पर, आप महंगाई का जवाब दीजिए। जनता ने कहा रोजगार का जवाब दीजिए, लोगों ने कहा जो माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है उसका जवाब दीजिए। लोगों ने कहा कि आपने कोरोना काल में जिस तरीके से हमको मरने के लिए छोड़ दिया उसका जवाब दीजिए। लोगों ने अपना पिस ले किया उत्तराखंड में, यदि छोटा भाई उत्तराखंड में इस तरीके का पिस ले करके अमित शाह जी और मोदी जी योगी जी को उस पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर सकता है, उत्तर प्रदेश तो महान है, शक्तिमान है। तो उत्तर प्रदेश को चाहिए कि अपने पिच पर, जनता के सवालों के पिच पर, किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, नौजवानों के सवाल, महिलाओं के सवाल पर उनको लाए और उस पर वोट करवाए। भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है, अब जब भाग रहे हैं तो कहाँ भागते भागते जहाँ तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। किसका आश्रम बनवा रहे हैं उत्तराखंड में? हैं, किसका आश्रम बनवाने की बात की आपने? मैंने कहा जोगी जी को आप यहाँ से छोड़िए तो हम उत्तराखंड के अंदर उनको एक कुटिया के लिए जगह दे देंगे, बढ़िया सी, और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ कहाँ उनके जो जोगी और भोगियों के पल्ले पड़े हो, जो है आइए कर्मवीरों के साथ आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। पंजाब से, पंजाब गोवा और पांच राज्यों के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले कांग्रेस के? हम उत्तराखंड जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं, दोनों राज्यों के विषय में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गोवा के समाचार जो मेरे मित्र बता रहे हैं वहाँ हम जीत रहे हैं। मणिपुर हम जीतेंगे, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को ह्यूमिलेट किया गया है तो मणिपुर इज बाउंड टू वोट फॉर कांग्रेस। वो लोकतंत्र के ह्यूमिलेशन का जवाब देगा मणिपुर जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब हिलाया इस वृक्ष को हमने, है उसको गिराने लायक हमने बनाया है, तो फल दूसरे की झोली में कैसे जा सकते हैं? ये दुष्प्रचार है और हम इस दुष्प्रचार को कांग्रेस के शौर्य और पराक्रम के लिए चुनौती मानते हैं, और सारे कांग्रेसजन बहुत निष्ठा से और बहुत शक्ति के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने इस प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम जनता के दरबार में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, शालीन नेतृत्व है, एक सुघर नेतृत्व है। हमारे पास अपनी एक पूरी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है, उसका नेतृत्व है, और साथ साथ जो है हमारे पास एक आर्थिक दृष्टिकोण है, लोक कल्याण का दृष्टिकोण है, कृषि को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, रोजगार संवर्धन कैसे हो सकता है, इन सब बातों का विजन है। और
मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुष्प्रचार के जवाब में कहना चाहता हूँ, 1980 में लोग कहते थे कांग्रेस कहीं पर खड़ी नहीं, और मगर जब इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा गूंजा तो गांव गांव गूंजा और कांग्रेस सत्ता में वापस आए। और आज प्रियंका लाओ का नारा भी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की जवान में है, और लोग उत्तर प्रदेश का कल्याण देख रहे हैं उनमें, और देश का कल्याण राहुल गांधी में देख रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश इस मामले में लीड लेगा और कांग्रेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब रहा सवाल दूसरे राजनीतिक दल, जिस तरीके से राजनीतिक शालीनता को, शिष्टाचार को, राजनीतिक संस्कृति को अलग रख करके बातचीत हो रही है, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं ऐसे लोग जो राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बरत सकते हैं तो वो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस की और विशेष तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने काबिल नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चाहिए कि वो चाहे भोगी लोग हों या योगी लोग हों, इनको लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट करें और कर्मवीर कांग्रेस को आगे लाए। यूपी में तो आतंक